मेहरबानी की जाए मेरे लाए मैं अपने बच्चे का कराना है पर मैं डिसमिस मैं किया गया है पर मैं दसो किधर ले जावा इन मैं बहुत गरीब मैं पता नहीं की किया आधा बेच के तो रोटी पानी पूरी कर रहा हूँ ना मेरे को कोई किसी सहायले मैं दसो किधर चला जावा मैं लिया जा मेरे मायर मन ये दरखास्त है मेरे वालों मेरे बाल किया जाए तेरे मेरी नौकरी मेरे मैं दिखती जाए मेरे को आसरा जिंदगी का और कोई नहीं आसरा है तो भाई जान मैं बहुत गरीब बंदा तो लिया जा मेरा बीमार हो गया से लकबा हो गया से फालज का अटैक हो गया से मैं कम तो नहीं जा सकिया इको इको मेरा बेटा है ना कोई बेटी है जेडी कम ते जा सके हूं दसो मैं कि छड़ के कल जा सकता सा कम ते उतो इना का वेखो ये सड़िया इना वेखो आ सारे सड़िया पे सी मुंडा मेरा मैं उधर मैं बीमार हो गया उधर मेरा मुंडा सड़ गया थोड़े दिन नहीं जा सके लेकिन जो ठीक हो गया असि जाते पे दफ्तर आले साडी गल नहीं सुनते सीओ को भी गए हबीब साहब साडा इनकुआरी अफसर है उन्होंने कोल जाने वो साडी गल ही नहीं सुनते बिलकुल बाकी साडी अपील है कि साडे वास्ते नौकरी दे आर्डर कीते जान साडी नौकरी सानू मिल जाए। पहाड़ी से खबर शामिल करते हैं जहां पर म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान की गुफलत से मासूर बच्चे का बाप सरकारी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। मुतासर शख्स ने अपने मासूर बच्चे के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कमिश्नर मुल्तान और वजीर आला पंजाब से इंसाफ फराहम करते हुए नौकरी पर बहाल करने का मुतालबा किया है। तफसीलात के मुताबिक 9/11 के रिहायशी शमशाद वल्द रहमत मसीह ने अपने मासूर बच्चे और बीवी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि वो अरसा 20 साल से म्यूनिसिपल कमेटी बिहाड़ी में सैनिटरी वर्कर का काम कर रहा था। गुज़श्ता कुछ माह कबल मुझे फालज का झटका लगा और मैं बहुत बीमार हो गया था और उसी दौरान मेरा मासूर बच्चा भी बहुत बीमार हो गया था। मैं अपने बच्चे और अपना इलाज करने में मसरूफ़ हो गया था जिसकी मैंने म्यूनिसिपल कमेटी में दरख्वास्त भी दी थी। जब मैं कुछ ठीक हुआ तो म्यूनिसिपल कमेटी बिहाड़ी ड्यूटी पर गया तो पता चला कि मुझे नौकरी से निकाल दिया गया है, जिस पर मैं म्यूनिसिपल कमेटी बिहाड़ी के आला अफसरान और DC बिहाड़ी को अपने बच्चे समेत ऑफिस भी गया लेकिन किसी ने मेरी एक ना सुनी और मुझे धक्के मार कर दफ्तरों से निकाल दिया। नौकरी ना होने की वजह से मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी कमिश्नर मुल्तान और वजीर आला पंजाब से हाथ जोड़कर अपील है कि मुझे फौरी नौकरी पर बहाल किया जाए।